बहुत ही आसानी से और वो भी कम चीजों में एंड वेलकम टू जायका कानपुरी आज हम आपसे शेयर करेंगे कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी तो हम कस्टर्ड पाउडर घर पर कैसे बना सकते हैं और फिर इस कस्टर्ड पाउडर से हम कस्टर्ड भी बनाएंगे जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से ही पड़ी है हमने रेसिपी डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा बिलीव मी गाइज इतना टेस्टी कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ था यकीन जाने आप कि घर के ही कस्टर्ड पाउडर से इतना बेहतरीन कस्टर्ड तैयार हुआ था कि आप अगर मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये कस्टर्ड पाउडर आपने बनाया है तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए फिर चीजें देख लेंगे हमें कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर हमने लिया है आधा कप वजन में देखें तो पचास ग्राम हमने कॉर्नफ्लोर लिया है इसके अलावा हमने पाउडर चीनी ली है पाउडर चीनी हमने आधे कप से कम ली है वज़न में देखें तो 25 ग्राम है इंस्टेंट बनाना हो तभी चीनी ऐड करें वरना आप डायरेक्ट ही ऐड कर लें चीनी अगर आपको स्टोर करके रखना हो तो आप कतई चीनी ना ऐड करें क्योंकि कस्टर्ड पाउडर फिर जल्दी ख़राब हो जाएगा यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर भी ले लिया है मिल्क पाउडर हमने आधा कप से दो चम्मच ज़्यादा ले लिया है मिल्क पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा हमारा कस्टर्ड इसके अलावा हमने लेमन येलो कलर ले लिया है वनीला एसेंस भी ले लेंगे हम क्योंकि हम वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर बना रहे हैं तो ये वनीला एसेंस है इसकी कुछ बूंदे हम ऐड कर देंगे दो से तीन बूंदे अगर आपको किसी भी फ्लेवर का नहीं पसंद है तो आप ये सब ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंड कर सकते हैं इस तरह से कस्टर्ड बना सकते हैं एक खीर के टेस्ट में आएगा बहुत ही लाजवाब उसका भी जायका लगता है मैं बना कर देख चुकी हूँ इसलिए मैंने आपको एडवाइस दी तो अपने जार में हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले शुगर पाउडर इसी जार में हमने पहले भी शुगर पाउडर बनाया था इसलिए इसका कलर वाइट वाइट सा हो गया है तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है कुछ बूंदें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस की एक चौथाई चम्मच हम ऐड कर देंगे लेमन येलो फूड कलर इससे कलर अच्छा आएगा बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड का कलर आएगा ये देखें हमने ग्राइंड कर लिया है सभी कुछ ऐड करने के बाद और ये बढ़िया सा कस्टर्ड पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बर्तन में ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार हुआ है तो यहाँ पर हमने सिंपल सा वनीला फ्लेवर का ही बनाया है आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वाला भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंड कर लें साथ में उसमें आपको कोई भी फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं इलायची डाल सकते हैं वो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से भी मिल जाती है बनाने के लिए इसके अलावा आप मैंगो फ्लेवर का बना सकते हैं मैंगो का एसेंस आपको ऐड करना होगा और कलर सेम जाएगा इसके अलावा अगर आपको बनाना है चॉकलेट फ्लेवर कस्टर्ड तो उसके लिए आपको सिर्फ कोको पाउडर ऐड करना होगा इसमें आप चाहें तो हर चीज़ का जो चौकस सीरप आता है उसे ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बना सकते हैं उसमें आपको पिंक कलर ऐड करना होगा तो इसी तरह से आप बहुत सारे कस्टर्ड पाउडर घर में ही तैयार कर सकते हैं एक एक करके मैं आपको सारी रेसिपीज़ भी दूंगी तो तब तक के लिए एक ही रेसिपी से आप कस्टर्ड बनाइए रेसिपी हेल्पफुल लगी हो या फिर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़